नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगी जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम करक हाईवे है। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ निकली, जैसे कि कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस से बताता था कि करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीली रंग की वॉक्स वैगन कार आ गई। जैसे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करक हाईवे पे होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीली रंग की वॉक्स वैगन गाड़ी की वजह से क्यों होती है। कई बार मलेशिया पुलिस ने उस पीली वॉक्स वैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वह गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी की पीली वॉक्स वैगन गाड़ी की कहानी सुनाती हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली रंग की गाड़ी में भर बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से हाईवे पर पीली वॉक्स वैगन बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्स वैगन की वजह से वहां पर बहुत से एक्सीडेंट्स भी होने लगे। वह पीली वॉक्स वैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती और देखने के बाद अचानक से वह गायब हो जाती। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्स वैगन को देखने का दावा किया और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फोटो भी खींचा है। दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉक्स वैगन का आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह के पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है, वह लड़का भी रात के बाद वक्त दिखाई देता है। कई लोगों का उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़की को देखा है उन लोगों ने बताया कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। वह कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलते ही वह लड़का जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपने कार के करक हाईवे से गुजर रही थी कि तभी ना जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वह औरत तो बच जाती है, लेकिन उनके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़के की आत्मा करक हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक ऐसा शैतान भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के चिथड़े चिथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं पता कि यह शैतान करक हाईवे पर कहां से आया या इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाती हूं, जो कि कुछ इस तरह से है कि एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था, वे रात के वक्त अपनी कार से करक हाईवे गुजर रहे थे। तभी करक हाईवे पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी कार खराब हो गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। यह देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया
कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वह उसे भी रेडिएटर में डाल दें ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वह लोग वहां से निकल जाएं। लेकिन पानी वाली पानी बोतलें सारी खाली पड़ी थीं। फिर उसके बाद वह आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी और दूसरी गाड़ी का वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो वह आदमी पानी का कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास ही पानी की तलाश में जा रहा हूँ। मैं जब तक वहां से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। फिर उसकी पत्नी ने ठीक कहा। उसके बाद वह आदमी पानी की खाली बोतल लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी सी चीज आकर गिरी थी। उस भारी सी चीज के कारण छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वह भयानक आवाजें सुनकर वह औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत से आ रही आवाजें भी बंद हो गईं। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से दो पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। पुलिस ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत ने अचानक से पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार के छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह औरत जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार के छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी, और तो और उसके पति की लाश के सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ से पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी तरफ पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेड क्वार्टर में बैकअप के और एक एम्बुलेंस को बुलाया ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी कि तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पे खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार के छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार के थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। पर जब हम कोई रिएक्शन लेते तब तक वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, यह थी मलेशिया के मोस्ट हॉन्टेड करक हाईवे की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।